हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पाइथन के मैथ मॉड्यूल को करेंगे और इसके डिफरेंट फंक्शंस को भी देखेंगे। ओके, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल नेमली मैथ फॉर मैथ रिलेटेड फंक्शन। तो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको एक मॉड्यूल प्रोवाइड करती है जिसका नाम मैथ मॉड्यूल है, राइट। मैथ मॉड्यूल में क्या है, मैथ रिलेटेड फंक्शन है डेट वर्क्स विद ऑल द नंबर टाइप्स, जो जितने भी नंबर टाइप्स हैं सबके साथ काम करती है, जैसे आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, राइट, एक्सेप्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये जो फंक्शंस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वर्क नहीं करते हैं, राइट। In order to use all the functions of math module in your program, you need to import it. अगर आपको math module के सारे functions अपने program में चाहिए, अपनी Python script में चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको math module को import करना पड़ेगा, right? तो इसके लिए statement क्या होती है, import math, okay? Then you can use math modules functions as, और अगर आपको math module के specific function use करने हैं तो आप उसको कैसे use कर सकते हो, with the help of dot notation, math dot function name। जो भी function आपको use करना है उसका आप यहाँ पे नेम दे दोगे, राइट। फर्स्ट वी हैव सील फंक्शन। ओके, द मैथ डॉट सील मैथड राउंड्स अ नंबर ऑफ वर्ड्स। तो सील मैथड क्या करेगा, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, फ्रैक्शनल वैल्यू को राउंड ऑफ करेगा, राइट। बिकॉज अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दे रहे हो तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। राउंड ऑफ हम किसका करते हैं, जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू को राउंड ऑफ करेगा। कैसे राउंड ऑफ करेगा, अपवर्ड्स टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो जो भी नंबर है उसका जो बिल्कुल नियरेस्ट इंटीजर होगा, उससे आगे, उससे बड़ा, ओके, उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट मैथ, राइट। ओके, आपने इंपोर्ट कर लिया मैथ मॉड्यूल को। अब हम इसका सील फंक्शन देखेंगे। आपने किया मैथ डॉट सील। सील फंक्शन में अब देखो, मैंने ऐसे यहाँ पे लिया 3.4 ले लिया, ओके। तो ये क्या करेगा सील फंक्शन, इससे जो अबव इंटीजर होगा, नियरेस्ट इंटीजर, उसमें इसको राउंड ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे देखो आंसर 4 आ गया आपके पास, ओके। और आप एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सील, ओके, और मैंने ले लिया 25.9 या 25.6 ले लो आप यहाँ पर, ओके, 26 आ गया, ठीक है। इससे देखो जो नंबर है उससे क्या है, अबव है ये, राइट। तो राउंड ऑफ क्या होगा, अबव इंटीजर में होगा, फाइन। आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर ले लिया, मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर आप ले लो -2.5, ओके। अब देखो -2 आ गया है, राइट। ये इससे क्या है, 2.5 से अबव है, ओके। देन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैथ डॉट सील, ओके, 1.03, ओके। तो देखो 2, फाइन। तो सील क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देगा। अगर मान लो मैं इसमें इंटीजर वैल्यू लेती हूँ, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेती, मैथ डॉट सील 25, तो यहाँ पे राउंड ऑफ तो होना ही नहीं है, तो एज इट इज़ आंसर आ जाएगा, फाइन। नेक्स्ट इज फ्लोट फंक्शन। मैथ डॉट फ्लोट मैथड राउंड्स अ नंबर डाउनवर्ड्स टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। तो यहाँ पे फ्लोट फंक्शन भी क्या कर रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहा है, लेकिन ये किस वे में राउंड ऑफ कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, नियरेस्ट इंटीजर जो उस पर्टिकुलर नंबर से छोटा है। मान लो आपको 2.5 को राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे 2.5 से छोटा क्या होगा, 2 होगा नियरेस्ट इंटीजर, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 में। अगर आप सील फंक्शन लेते तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको 3 में कन्वर्ट कर देता, ठीक है। तो देखो डाउनवर्ड्स टू नियरेस्ट इंटीजर एंड रिटर्न्स द रिजल्ट, फाइन। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट फ्लोर, राइट, 2.5 हम ले लेते हैं, तो क्या आंसर आ गया, 2 आ गया, ओके। डाउनवर्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर, राइट। इस नंबर से जो, इस नंबर के जो नीचे या इसके पीछे जो नियरेस्ट इंटीजर है वो 2 है। अगर मैं इसमें सील लेती, मान लो सील फंक्शन का यूज़ करती, तो क्या होता, ये इसको क्या करता, इसको ये राउंड ऑफ करता, लेकिन टू द अबव इंटीजर 2.5, तो इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता, 3 में, ओके। मैंने फ्लोर लिया है फिर से, मैथ डॉट सील, राइट। अगर मैं इसको लेती 2.5, किस में कन्वर्ट कर देता, ये 3 में कन्वर्ट कर देता, राइट। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दिया मैथ डॉट फ्लोर, ओके, मैंने यहाँ पे लिया 100.72, राइट। आंसर क्या आ गया आपके पास, 100 आ गया, जो 100.72 से छोटा है ऑब्वियसली, राइट। अब देखो एक नेगेटिव नंबर का भी आप ले लो, यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर, और मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस यहाँ पे 45.17, ओके। -46 आ गया, जो कि से -45 पॉइंट इससे क्या है, छोटा है ये नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर है, तो ये इससे छोटा है, राइट। तो फ्लोर में क्या है, नियरेस्ट इंटीजर जो इस पर्टिकुलर नंबर से छोटा हो, जो भी नंबर आप पास करे हो फ्लोर फंक्शन के अंदर, फाइन। नेक्स्ट फंक्शन है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन, राइट। द मैट डॉट स्क्वायर रूट मेथड रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ओके। इफ नंबर इज स्मॉलर देन जीरो डोमेन एरर अकर्स। अगर आप जो नंबर ले रहे हो जीरो से छोटा है, माइनस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन एरर आ जाएगी, ओके, हमारे पास मैथ मॉड्यूल इम्पोर्ट है, तो अब क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज़ करोगे, मैथ डॉट SQRT। अब यहाँ पे मान लो मैंने लिया 81 का स्क्वायर रूट, मुझे 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपके पास देखो फ्लोट में रिजल्ट आया 9.0, ओके। और आप एग्जांपल ले सकते हो स्क्वायर रूट के, यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ले लो आप 49 का, राइट। तो आपका आ गया 7.0, ओके, फ्लोट में इसका रिजल्ट आएगा, फाइन। अब देखो अगर मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहती हूँ तो क्या होगा, मेरी डोमेन एरर आ जाएगी, मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट -49, क्योंकि ये जीरो से छोटा है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे मैथ डोमेन एरर आ गया है, बिकॉज यहाँ पे आपने क्या किया है, आप जीरो से छोटे नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, ओके। और एक और निकाल के देख लेंगे, मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट आपने यहाँ पे निकाला 65 का स्क्वायर रूट, ये आपका 65 का स्क्वायर रूट आ गया, ओके। नेक्स्ट वी हैव पावर फंक्शन, द मैथ डॉट पावर। यहाँ पे आपने क्या किया, पैरामीटर्स पास किए एक्स वाई फंक्शन, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू द पावर ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो उसकी पावर क्या बन जाएगी, y बन जाएगी, x रेज टू द पावर y, ओके। x एंड y में बी एन इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। यहाँ पे जो x एंड y हैं वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं, ओके। जैसे आपने लिखा मैथ डॉट, अब यहाँ पे हम पावर लेते हैं, पावर 2 रेज टू पावर 4 लेते हैं, 2 रेज टू पावर 4, ओके। रिजल्ट आपके पास आ गया 16, 2 रेज टू पावर 4 आपके पास रिजल्ट आ गया 16, ठीक है। फ्लोट में रिजल्ट आया है, एक लेते हैं मैथ्स डॉट पावर, ओके। तो यहाँ पे मैंने 3 की पावर क्या ली है, 0 ली है, तो क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.0 आ जाएगा फ्लोट में, ठीक है, 1.0, ओके। 3 रेज टू पावर 0 क्या हो गया, 1.0, ओके। नेक्स्ट हम ले लेंगे मैथ डॉट पावर। अब आप यहाँ पे क्या करो, दोनों नंबर फ्लोट में भी ले सकते हो, ओके। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर फ्लोट में लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4.0 एंड 2.0, फाइन। आपका आ गया 16.0, राइट, ओके। एंड यहाँ पे मैथ डॉट पार एक एग्जाम्पल और दे लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया 100 एंड पार मैंने ले लिया नेगेटिव में -2, राइट, ओके। तो इस नेक्स्ट वी हैव फैब्स फंक्शन, ठीक है। द मैथ डॉट फैब्स फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो फैब फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है, ओके। और किस फॉर्म में रिटर्न करता है, फ्लोट की फॉर्म में रिटर्न करता है, ओके। फ्रैक्शनल वैल्यू में आपका रिजल्ट आएगा, ओके। एब्सोल्यूट, अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट डिनोट्स अ नॉन नेगेटिव नंबर। अगर मान लो आपने -5 पास किया, ठीक है, फैब फंक्शन के अंदर, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका जो नेगेटिव साइन है वो रिमूव हो जाएगा, 5.0 आ जाएगा, राइट, ओके, क्योंकि एज अ फ्लोट रिजल्ट को आपको देता है, ठीक है। एब्सोल्यूट डिनोट्स नॉन नेगेटिव नंबर, दिस रिमूव्स द नेगेटिव साइन ऑफ द वैल्यू इफ इट हैज़ एनी। अगर किसी भी वैल्यू में नेगेटिव साइन है तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, फाइन। लेकिन फैब्स फंक्शन क्या करता है, रिजल्ट को फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में देता है। अनलाइक पाइथन एब्सोल्यूट फंक्शन, जो पाइथन का एब्सोल्यूट फंक्शन है वो क्या करता है, दिस मैटर ऑल, अच्छा, अनलाइक पाइथन एब्सोल्यूट फंक्शन दिस मैटर ऑलवेज कन्वर्ट्स द वैल्यू टू अ फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो फैब्स फंक्शन है फ्लोटिंग पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। और जो आपका एब्सोल्यूट फंक्शन है पाइथन का वो इंटीजर फॉर्म में रिजल्ट आपको देता है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ किया, ठीक है, इसमें मैंने -5 दिया आपके पास 5 आ गया, माइनस जो साइन था वो रिमूव हो गया और इंटीजर फॉर्म में आपका रिजल्ट आया। लेकिन अगर मैं मैथ मॉड्यूल के फैब्स फंक्शन का यूज़ करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मैंने -5 पास किया तो क्या होगा, इसका साइन तो रिमूव हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू तो आ जाएगी लेकिन फ्लोट फॉर्म में आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया 5.0, ओके। और इसके कुछ और यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया मैथ डॉट फैब्स, ओके, मैंने यहाँ पे सिंपल दे दिया, ठीक है, मैंने कोई यहाँ पे साइन नहीं दिया, मैंने 25.5 दे दिया, तो क्या होगा, एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो एज इट इज़ आ जाएगा, ओके। या फिर मैंने दिया मैथ डॉट फैब्स, मैंने यहाँ पे दे दिया 200, ओके। तो देखो 200.0, तो ये फ्लोट फॉर्म में आया है, राइट, फ्लोट फॉर्म में आया आपका, राइट। अब देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, यहाँ पे मैथ डॉट फैब्स -200, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है, जो माइनस का साइन था वो रिमूव हो गया, लेकिन ये जो रिजल्ट आया वो फ्लोट फॉर्म में आया, ओके। नेक्स्ट वी हैव डिग्रीज फंक्शन, ठीक है। द मैथ डॉट डिग्रीज मैथड कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। तो डिग्रीज फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसके अंदर रेडियंस पास करते हो तो उसको वो डिग्रीज में कन्वर्ट कर देगा, राइट। अगर आपने रेडियंस की फॉर्म में, देखो यहाँ पे, देखो मैं शो कर देती हूँ रेडियंस क्या है, दिस कंप्लीट जो आपका आर्क बना है दिस इज 1 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 रेडियन, 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन, 45 डिग्री जो आपका एंगल है वो किसके इक्वल है, π/4 रेडियंस। तो यहाँ पे क्या है, जो डिग्रीज मेथड है, आप इसके अंदर अगर कोई भी रेडियन पास करते हो, आपने π/6 पास किया तो आपको क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, आपने π/4 पास किया तो आपको 45 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे रेडियंस को पास करोगे अगर आप डिग्रीज मेथड के अंदर, तो ये आपको डिग्रीज बता देगा कि इस रेडियन की ये डिग्री है, इस रेडियन की ये डिग्री है, ओके। देखो यहाँ पे चार्ट भी है जिसमें बताया गया कि कितने डिग्री कितना रेडियन कंसीडर होता है, 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, लाइक दिस, ओके। तो आपका डिग्री मेथड क्या करता है, रेडियंस को कन्वर्ट करता है डिग्री में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैथ डॉट पाई कॉन्स्टेंट से पाई की वैल्यू ले लेते हैं, पाई की वैल्यू आ गई है, ओके। अब मैंने क्या किया, मैथ डॉट डिग्रीज, ओके, डिग्रीज, इसके अंदर मैंने किया, अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू को कॉपी किया, Ctrl+C Ctrl+V, π/2, 90 डिग्री होता है, π/2 आपका 90 डिग्री होता है, ओके। तो ये आपका आ गया 90 डिग्री, ओके। तो ये आपने क्या दिया था, यहाँ पे π/2 किसकी वैल्यू थी, रेडियंस की वैल्यू थी, रेडियंस की वैल्यू को डिग्रीज फंक्शन ने क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, यहाँ पे मैंने लिया मैथ डॉट डिग्रीज, ओके, पाई की वैल्यू हमारे पास है, Ctrl+V, ओके। और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ पाई लेती हूँ तो पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, राइट। तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री आ गया आपका, तो जो रेडियंस की वैल्यू आपने ली थी, ओके, डिग्रीज फंक्शन ने उसे क्या, किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, यहाँ पे मैथ डॉट डिग्रीज, अच्छा, अगर 360 डिग्री चाहिए तो मैं 2π करूँगी, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू मेरे पास है 2 इंटू पाई, तो यहाँ पे मेरा 360 डिग्रीज आ जाएगा, राइट। तो ये देखो, ये आपने रेडियंस को डिग्रीज फंक्शन में पास किया और डिग्रीज फंक्शन ने क्या किया, रेडियंस को कन्वर्ट कर दिया डिग्रीज में, ओके। नेक्स्ट वी हैव रेडियंस मैथड, ओके। द मैथ डॉट रेडियंस मैथड इज यूज टू कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस। तो रेडियंस फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसके अंदर डिग्रीज को पास करते हो, किसी भी एंगल की डिग्री को पास करते हो, वो उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देगा, फाइन। जैसे आपने यहाँ पे 30, मान लो आपने रेडियंस मेथड के अंदर 30 डिग्री को पास किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, π/6 में। आपने 45 डिग्री को पास किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, π/4 में, ओके। जैसे एग्जांपल देते हैं, मैंने यहाँ पे दिया मैथ डॉट रेडियंस, और इसके अंदर मैंने 90 डिग्री दे दिया, ओके, मैथ डॉट 90 डिग्री दे दिया, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये π/2 में, राइट, इसका रिजल्ट ही आया है। अब अगर देखो मैं इसको यूज़ करती हूँ, देखो मैंने यहाँ पे किया, पाई की वैल्यू क्या है आपकी, पाई की वैल्यू हम ऊपर से उठा लेते हैं, ये हमारी पाई की वैल्यू है, ठीक है, Ctrl+C, अगर मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल वी बाय पाई बाय 2, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा रिजल्ट, राइट, आया है सेम। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री किस में कन्वर्ट हुआ है, पाई बाय 2 में कन्वर्ट हुआ है, दिस इज़ पाई बाय 2। आपने यहाँ पे करके भी देख लिया, पाई बाय 2 आपका क्या आ गया, ये आ गया है। तो आपने 90 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया रेडियंस के अंदर, फाइन। ऐसे ही मैं यहाँ पे करती हूँ मैथ डॉट रेडियंस, और यहाँ पे मैं 180 डिग्री करती हूँ, 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, आपका पाई के इक्वल होता है। तो देखो आ गई पाई की वैल्यू, मैथ डॉट पाई की वैल्यू भी सेम होगी, मैथ डॉट पाई सेम वैल्यू है, देखो, राइट। तो यहाँ पे रेडियन फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसके अंदर डिग्रीज को पास करते हो तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर देता है, ओके। Next we have log 10 method. The math.log10 method returns the base 10 logarithm of a number. तो math.log10 method आपका क्या रिटर्न करेगा, बेस 10 लॉगरिथम, किसी भी नंबर का बेस 10 लॉगरिथम वो रिटर्न करेगा, ओके। It returns a float value, जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट फॉर्म में आएगा, रिप्रेजेंटिंग द बेस 10 लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, राइट। इफ़ द वैल्यू इज जीरो, नेगेटिव नंबर, अगर वैल्यू आपने जो ली है वो जीरो है या नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, वैल्यू एरर। इफ़ द वैल्यू इज नॉट अ नंबर, इट रिटर्न्स अ टाइप एरर, अगर वैल्यू जो आपने इसके अंदर पास की है वो क्या है, नंबर नहीं है तो टाइप एरर आ जाएगा, ठीक है। अब लॉगरिथम आपको बेटा निकालना आता है, आपने मैथ्स में किया, जैसे यहाँ पे देखो लॉग 10, यहाँ पे आपने 100 का लॉग 10 निकालना है, राइट। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे 10 raised to power x, राइट, लॉग 10 100 इज इक्वल टू एक्स अगर आपने लिया है तो 10 raised to power x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इसके इक्वल आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू द 2, राइट। तो यहाँ पे 100 का log 10 क्या आएगा, रिजल्ट 2 आएगा, फाइन, ओके। जैसे हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं मैथ, ओके, मैथ डॉट log 10, यहाँ पे हम किसका निकाल रहे हैं, 100 का निकाल रहे हैं log 10, तो देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ओके, 2, 10 raised to power 2 इज इक्वल टू 100, फाइन। तो यहाँ पे आपका फ्लोट में रिजल्ट आएगा 2.0। ऐसे ही मैंने यहाँ पे निकाला मैथ डॉट log 10, 1000 का निकालो, ठीक है, तो क्या होगा, 10 raised to power 3 इज इक्वल टू द 1000, तो रिजल्ट क्या आएगा, 3.0, ओके, 3.0। ऐसे ही आपको log 2 निकालना है अगर किसी नंबर का, तो मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैथ डॉट log 2 निकालना है मुझे 16 का, क्या रिजल्ट आएगा आपका, 4 आएगा, फाइन। 2 raised to power 4 इज इक्वल टू 16, 4 आ गया, 4.0, ओके, राइट। तो log 10, log 2 आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। Next we have sine function, okay. The math.sine method returns the sine of a number. math.sine method क्या करता है, किसी भी नंबर की साइन वैल्यू निकालता है, राइट। तो आप बेटे आपने मैथ्स में किया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस सेक, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैं इसकी बेसिक डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, सिंपली हम इस फंक्शन को देखेंगे। अब यहाँ पे देखो नोट दिया, टू फाइंड द साइन ऑफ डिग्रीज, अगर आपने डिग्रीज में वैल्यू को पास किया है साइन फंक्शन में, इट मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड इनटू रेडियंस। तो सबसे पहले जो आपने डिग्रीज में दिया है, मान लो आपने 30 डिग्री में दिया है, 45 डिग्री में दिया है, तो पहले इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही, ओके, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू रेडियंस विद द मैथ डॉट रेडियंस मेथड, उसके बाद इसका साइन निकलेगा, फाइन, ओके। अगर आपने डिग्रीज में वैल्यू को पास किया है साइन मैथ डॉट साइन फंक्शन के अंदर, तो इसका जो साइन वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, पहले वो रेडियंस में कन्वर्ट होगी, फिर उसका साइन वैल्यू निकलेगी, ओके। दिस मैथड रिटर्न्स अ न्यूमरिक वैल्यू बिटवीन -1 and 1, जो आपका साइन फंक्शन होता है न्यूमरिक वैल्यू पास करता है -1 and 1 के बीच में, विच रिप्रेजेंट द साइन ऑफ द एंगल, ओके, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एंगल का साइन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ओके, तो यहाँ पे हम साइन का एग्जाम्पल लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया मैथ डॉट साइन, और यहाँ पे मैंने एक नंबर पास कर दिया 3, राइट। तो आपके पास रिजल्ट आ गया इसका 3, जो आपने नंबर पास किया था उसकी साइन वैल्यू निकल के आ गई है, ओके। अब मुझे क्या करना है, 30 डिग्री का निकालना है साइन वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डायरेक्ट 30 डिग्री का तो नहीं निकाल सकती, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपली मैथ डॉट साइन, ओके, देन मैथ डॉट रेडियंस 30, तो जो 30 डिग्री आपने यहाँ पे लिया है, 30 डिग्री का एंगल है, राइट, रेडियंस फंक्शन क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा रेडियंस में, और उसके बाद साइन फंक्शन उसे कन्वर्ट कर देगा साइन वैल्यू में, राइट, 30 की जो साइन वैल्यू आएगी, फाइन। तो इसको अगर हम करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ गया, ओके। तो 30 का जो साइन वैल्यू है वो ये है, राइट। अगर आप इसको ऐसे करके देखना चाहते हो, देखो मैंने किया क्या, मैथ डॉट साइन, ओके, मैथ 30 की जो रेडियंस होती है, 30 की जो रेडियन वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी π/6, राइट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया मैथ डॉट π/6, राइट, सेम वैल्यू आई है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये किसका साइन निकला है, 30 डिग्री जो आपने इसमें पास किया था उसका ये साइन वैल्यू निकला है, फाइन, ओके, राइट। नेक्स्ट वी हैव कॉस मेथड। द मैथ डॉट कॉस मेथड रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ अ नंबर। तो मैथ डॉट कॉस मेथड किसी भी नंबर का कोसाइन निकालता है, रिटर्न करता है, ओके। टू फाइंड द कोसाइन ऑफ डिग्रीज, अगर आपको क्या करना है कि डिग्रीज की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्रीज का आपको कोसाइन निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले डिग्रीज को कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में, ओके। इट मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड इन टू रेडियंस विद द मैथ डॉट रेडियंस मैथड, राइट। तो मैथ डॉट रेडियंस मैथड यूज करके आप डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, फिर रेडियंस कन्वर्ट होगा कोसाइन में, ओके। दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यूमरिक वैल्यू बिटवीन -1 and 1। तो ये मेथड न्यूमरिक वैल्यू रिटर्न करता है -1 and 1 के बीच में, विच रिप्रेजेंट द कोसाइन ऑफ द एंगल, जो किसी भी एंगल का, किसी भी नंबर का कोसाइन वैल्यू होता है, राइट, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट कॉस, कॉस के अंदर आपने कोई भी वैल्यू ली, जैसे मैंने यहाँ पे लिया -4, तो इसका कोसाइन वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिग्रीज का कोसाइन निकालना है, मान लो मुझे 45 डिग्रीज का निकालना है, तो मैं लिखूँगी मैथ डॉट कॉस, राइट, और मैं यहाँ पे लिखूँगी, कन्वर्ट करूँगी मैथ डॉट रेडियंस, ओके, और रेडियंस में 45 डिग्री को पहले कन्वर्ट करूँगी मैं रेडियंस में, और उसके बाद वो कन्वर्ट होगा कॉस में, राइट। देखो आपके पास रिजल्ट आ गया, 45 डिग्री को आपने कन्वर्ट किया रेडियंस में, फिर रेडियंस को कन्वर्ट किया कोसाइन में, ओके और आप इसको अगर चेक करना चाहते हो तो देखो मैंने यहाँ पे किया मैथ डॉट कॉस, राइट, ओके। अब जो आपका 45 डिग्री से, राइट, वो रेडियंस में क्या होता है, π/4, तो मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट π/4, ओके, सेम रिजल्ट है दोनों का, 45 डिग्री का, राइट, ओके। नेक्स्ट इज tan मेथड, ओके। द मैथ डॉट tan मेथड रिटर्न्स द टेंजेंट ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का अगर आपको टेंजेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, उसे tan फंक्शन के अंदर पास करोगे, मैथ के tan मेथड के अंदर उसको पास करोगे, राइट। टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ डिग्रीज, और मान लो आप यहाँ पे tan फंक्शन के अंदर डिग्रीज को पास करते हो, तो ये कन्वर्ट कैसे होगा टेंजेंट में, डिग्रीज को कन्वर्ट करने के लिए पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे रेडियंस में, और फिर रेडियंस कन्वर्ट होगा टेंजेंट में, राइट तो यहाँ पे क्या लिखा, इट मस्ट बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेडियंस विद द हेल्प ऑफ मैथ डॉट रेडियंस मेथड। आप मैथ डॉट रेडियंस मेथड की हेल्प से डिग्रीज को कन्वर्ट करोगे रेडियंस में, और फिर रेडियंस कन्वर्ट होगा टेंजेंट में, ओके। दिस मेथड रिटर्न्स अ न्यूमरिक वैल्यू बिटवीन -1 and 1, तो जो भी रिजल्ट आता है वो -1 and 1 के बीच में आता है, ओके, विच रिप्रेजेंट द टेंजेंट ऑफ अ एंगल, जो किसी भी एंगल या नंबर का टेंजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फाइन, ओके। तो मान लो मुझे यहाँ पे मैथ डॉट 5 का 10 निकालना है, टेंजेंट निकालना है, राइट तो ये आप वैल्यू आ गई आपके पास, राइट ओके। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैथ डॉट 10 - 5 का टेंजेंट वैल्यू आपको निकालना है, ओके तो पॉजिटिव में आइए हमारे पास, राइट। अब मान लो मुझे डिग्रीज का टेंजेंट वैल्यू निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे निकालना है 90 डिग्री का, लेट अस सपोज, तो मैं क्या करूँगी मैथ डॉट 10, राइट। अब क्या करेंगे हम, डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो मैंने यहाँ पे लिखा रेडियंस में 90 डिग्री पहले रेडियंस में कन्वर्ट होगा, फिर टेंजेंट में कन्वर्ट होगा, यहाँ से ये रेडियंस में कन्वर्ट होगा और जो भी वैल्यू आएगी वो टेंजेंट में कन्वर्ट होगी, राइट। वैल्यू आ गई आपके पास 1.63 समथिंग, राइट। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप कैसे करके कर सकते हो, मैथ डॉट 10, राइट ओके। तो आपका जो यहाँ पे 90 डिग्री होता है वो रेडियंस में किस फॉर्म में होता है, π/2 होता है, राइट तो मैं यहाँ पे करूँगी मैथ डॉट π/2, राइट वो सेम वैल्यू आ गई है, ओके अब मान लो अगर आपको मैथ मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन के बारे में जानना है, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, पाइथन्स की लाइब्रेरी के हेल्प फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा HELP, हेल्प में मैंने लिख दिया मैथ मॉड्यूल का मुझे जो फंक्शन जानना है वो SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन है, राइट। देखो इसके बारे में आ गया, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। आप और किसी फंक्शन के बारे में जानना चाहते हो मैथ मॉड्यूल के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सील फंक्शन, राइट। सील फंक्शन के बारे में जानना है तो देखो उसका आ गया, पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया सील फंक्शन का। इस तरीके से आप हेल्प फंक्शन की हेल्प से, राइट, मैथ मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन के बारे में जान सकते हो, ओके। आप मैथ मॉड्यूल की कांस्टेंट वैल्यूज़ को भी अपनी पाइथन स्क्रिप्ट में इंपोर्ट कर सकते हो। आपने सिंपली क्या किया, इंपोर्ट किया मैथ मॉड्यूल को। अब इसके जितने भी फंक्शंस हैं, जितनी भी इसकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, आप उन सबको अपने पाइथन स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो, राइट। मान लो मुझे पाई की वैल्यू यूज़ करनी है अपने प्रोग्राम में, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको एक्सेस करने के लिए math.py, ओके, आपके पास पाई की वैल्यू आ गई है, इसे आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। एक और कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे math.e, ओके, ये क्या है आपका ऑयलर्स कांस्टेंट है, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपका मैथमेटिकल ई कांस्टेंट है, राइट, और इसको आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।